रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ये ट्रेन अवामी एक्सप्रेस है। इस ट्रेन का नाम ही नहीं, हाल भी अवाम जैसा है। मुसाफिर एक घंटे से ट्रेन में बैठे बैठे उकता चुके हैं। अवामी एक्सप्रेस को कराची के लिए रवाना तो 1 बजे होना था, मगर 1 घंटे की ताखीर के बावजूद रवानगी के कोई आसार दिखाई नहीं देते। 1 घंटे से ट्रेन में बैठे हैं और ना एसी चल रहा है ना पंखा चल रहा है। पसीने गिर रहे हैं, हालत खराब है, पूरा बंद है। अब आगे जाके क्या होगा, हम किस तरह घर पहुंचेंगे, इतना लंबा सफर। गर्मियों के अंदर पंखे नहीं होते, रात के टाइम पे बाथरूमों में लाइटें नहीं होती। ट्रेन चले भी तो कैसे के, बोगियों को खींचने के लिए 1 अदद इंजन दरकार होता है, जिसका दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं। देखें कुछ बेहतर हो रही है, अल्लाह बेहतरी करेगा रेल के लिए। सोने पे सुहागा ये कि इस हब्स ज़्यादा मौसम में ट्रेन का एयर कंडीशनर भी काम नहीं कर रहा। इसका कोई एतबार नहीं, ये कभी भी बंद हो सकता। लाहौर से पेशावर तक चल के गया है, तकरीबन 4 मरतबा बंद हुआ है। खुदा खुदा करके 3 बजे इंजन ने दर्शन दिए तो मुसाफिरों की जान में जान आई, लेकिन ये सुख का सांस भी कुछ ही देर के लिए है, क्योंकि कराची तक 28 घंटे के सफर में अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कैमरामैन अवैस काजी के साथ रुबाब हुसैन, समा, रावलपिंडी।